अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बिजली की बड़ी दरों पर यूपी सरकार को घेरा। बसपा अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिजली दरों में वृद्धि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए योगी सरकार से सवाल किया है कि क्या सरकार खजाना खाली कर इसकी वसूली जनता से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस से पहले भी ये आदेश दे चुके हैं सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर है, यहाँ उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पोर्टल से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें भारत और रूस के लिए रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा। इस सम्मान की घोषणा इस साल अप्रैल में हुई थी। शैलजा को मिलेगी हरियाणा कांग्रेस की कमान, हुड्डा चुनाव कमेटी की प्रधान और विधायक दल की नेता। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा को हरियाणा कांग्रेस की कमान दी गई है। इसके साथ ही पार्टी आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव अभियान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हुड्डा किरण चौधरी की जगह कांग्रेस विधायक दल के प्रधान भी होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सियासत से गुम कांग्रेस के कई बड़े चेहरे नहीं दिखते शूरगंज जैसे नेता। लोकसभा चुनाव में पहले कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा, तारिक अनवर जैसे कई दिग्गजों को पार्टी में शामिल कराया है और उनमें से कुछ को प्रत्याशी भी बनाया, मगर चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद ये बड़े चेहरे बिहार की सियासत से गुम हो गए हैं। प्रदेश में इनकी कहीं भी सक्रिय नहीं दिख रही। कुछ ने तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकांत आश्रम में कदम भी नहीं रखा है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।